नमस्कार, मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल इंडियन फूडी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा यमी टेस्टी गोंद कतीरे के ये लड्डू, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, साथ ही टेस्टी हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बनकर के झटपट से तैयार हो जाते हैं। एक लड्डू मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने सॉफ्ट लड्डू ये बनकर के हमारे तैयार हुए हैं, बहुत ही यमी है खाने में। तो चलिए इन लड्डुओं को बनाना हम शुरू करते हैं। आज हम बनाएंगे गोंद कतीरे के लड्डू। गोंद कतीरा जो कि तासीर में काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, गर्मियों में इसका सेवन करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। गोंद कतीरे में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉलिक एसिड बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। मार्केट में दो तरीके के गोंद मिलते हैं। ये देखिए एक इस तरीके का गोंद आता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग होती है। ये मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन जो लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता रही हूँ कि ये जो गोंद कतीरा होता है शाइनिंग वाला, इसको हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, और ये बिना शाइनिंग वाला इसको हम गोंद कतीरा बोलते हैं। इसको हम गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं। गोंद कतीरे के लड्डू बनाने के लिए हमें सबसे पहले गोंद कतीरे को तोड़ लेना होगा। ये देखिए हमने पहले ही इसको छोटा छोटा तोड़ करके रख लिया है। तोड़ने के बाद हम इसको एक मोटी छन्नी से छान लेंगे। इस तरीके से पाउडर आपको निकल कर नीचे मिलेगा। पाउडर इसलिए निकाल लीजिए ताकि जब आप इसको फ्राई करें तो फ्राई करते समय आप आसानी से फ्राई कर लेंगे, नहीं तो पाउडर की वजह से आपका सारा घी खराब हो सकता है। गोंद कतीरे के अलावा हम यहाँ पर नारियल ले रहे हैं। हमने यहाँ पर 3 नारियल लिए हैं। इस तरीके से इनके हम पीछे का पार्ट जो है उसको रिमूव कर देंगे। उसके बाद इसको हम ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको इसी तरीके से ग्रेट करके ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर नारियल का बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए नारियल को हमने ग्रेट करके ले लिया है। ये देखिए बिल्कुल वाइट दिख रहा है क्योंकि इसके पीछे का पार्ट हमने रिमूव कर दिया है। नारियल तासीर में ठंडा होता है, इसलिए आप इसको गर्मियों में खाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। गैस के ऊपर हमने कढ़ाई रख ली है, गैस को जला लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 100 ग्राम मखाने और इनको अच्छे से हमें फ्राई करना है। ये देखिए लगातार चलाते हुए मखानों को हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। मखानों में काफ़ी ज़्यादा क्रंच आ चुका है। अब हम इनको कढ़ाई से निकाल लेंगे। मखानों के निकालने के बाद हमने गैस के ऊपर फिर से कढ़ाई रख ली और कढ़ाई में लगभग हमने 100 ग्राम देसी घी डाल लिया है। घी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम थोड़ा सा गोंद कतीरा लेंगे और इसमें डालेंगे। देखिए ज़्यादा तेज़ घी को हमें गर्म नहीं करना है, बिल्कुल धीमी आंच पर हमें इसको भूनना है। ये देखिए धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए गोंद को हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसको कढ़ाई से निकाल लेंगे। गोंद निकालने के बाद दोबारा से इसी तरीके से हम गोंद डालते रहेंगे और सारा गोंद फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सारा गोंद हमारा फ्राई हो चुका है। गोंद को फ्राई करने के बाद हमने एक छोटी कटोरी में ये खरबूजे के बीज लिए हैं, इनको भी हम फ्राई करेंगे। घी अभी हमारा गर्म है और इसी गर्म घी में हम ये खरबूजे के बीज डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया था तो इसको हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। खरबूजों के बीजे के साथ हम यहाँ पर कद्दू के बीज भी ले रहे हैं जो कि आयरन से भरपूर होते हैं, इसको भी इसमें डाल देंगे। अभी हमने गैस का फ्लेम ऑन नहीं किया है, घी काफ़ी गर्म है और इस गर्म घी में ये अच्छे से भून रहे हैं। 2 मिनट के लिए केवल हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और इन बीजों को केवल 2 से 3 मिनट के लिए हमें और फ्राई करना है गैस के ऊपर। उसके बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये जल सकते हैं जिससे इनका टेस्ट कड़वा हो सकता है। 2 मिनट हो चुके हैं, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। चट चट सी आवाज़ आ रही है कढ़ाई से। अब इन बीजों को हम निकाल लेंगे। जो हमने बीज फ्राई किए थे उनको कढ़ाई से निकाल लिया है। अब हम इसमें डालना है 2 टेबल स्पून ये चिरौंजी। चिरौंजी को हमने वॉश करके लिया है, इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये देखिए 1 मिनट में ही ये फ्राई हो चुकी है क्योंकि घी हमारा काफ़ी ज़्यादा गर्म था। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। थोड़ा सा घी अभी भी कढ़ाई में बचा हुआ है तो इसमें जो हमने पाउडर छान के रखा था उसको इसमें डाल देंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखिए 1 मिनट में ये पाउडर जो गोंद कतीरे का हमने छान करके रखा था इसको भी हमने फ्राई कर लिया है। अब जो हमने नारियल कद्दूकस करके लिया है उसको भी इसमें डाल लेंगे और इसी के साथ 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी हम फ्राई कर लेंगे।
यहाँ पर नारियल को हम हल्का सा फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन हल्का सा जब आप इसको फ्राई कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छी इसमें से खुशबू आने लगती है। यहाँ पर हमने ग्रेटेड नारियल यानी घर पर ही नारियल को ग्रेट करके इस तरीके से लिया है। इसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में होती है, साथ ही इसमें नारियल का तेल भी रहता है। मार्केट से जो हम ग्रेटेड नारियल का बुरादा लाते हैं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती और इतना अच्छा टेस्ट भी नहीं आता है। तो आप चाहें तो इसी तरीके से ग्रेट करके नारियल को डालिए लड्डू में, फिर देखिएगा आपके लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। नारियल भी हमारा फ्राई हो चुका है, इसका हमें कलर नहीं चेंज करना है, बस हल्की सी इसमें से खुशबू आने लगे और आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। ये देखिए सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब हम मखानों को फोल्ड करके ले लेंगे और ये जो गोंद कतीरा लिया है इसको भी एक बार हम मिक्सी में चला करके ले लेंगे। आप चाहें तो इसको इसी तरीके से कटोरी वगैरह की मदद से फोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसको हम हल्का सा मिक्सी में डाल करके ग्राइंड कर लेंगे, इसका दरदरा पाउडर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर जो खरबूजे के बीज लिए आप चाहें तो इनको भी हल्का सा दरदरा मिक्सी में चला सकते हैं। सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, अब हम आगे की तैयारी करेंगे। हमने एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लिया है, उसमें हमने जो नारियल ग्रेट करके रखा था उसको डाल दिया है, साथ ही जो हमने इसमें ये सीड्स लिए थे इनको भी डाल देंगे और ये जो चिरौंजी के दाने हैं इसको भी इसमें हम निकाल लेंगे। ये देखिए मखानों को भी हमने इस तरीके से ग्राइंड करके ले लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। अब जो हमने गोंद कतीरा भून करके रखा था उसको भी हम ग्राइंड कर लेंगे, उसको हमने ग्राइंडिंग जार में डाल लिया है। ये देखिए हमने यहाँ पर गोंद कतीरे को बिल्कुल इस तरीके से बारीक ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो इसको दरदरा भी रख सकते हैं और इसको हम निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारे गोंद को हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए सारा मिक्सचर हमारा तैयार हो चुका है, हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे, सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। आप चाहे यहाँ पर थोड़ा सा मावा वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, मावा डालना ऑप्शनल है। ये जो मिक्सचर हमारा तैयार हुआ है ये टोटल मिक्सचर लगभग ये 1 kg होगा, यानी 1 kg हम इसमें डालेंगे 250 ग्राम ये मिश्री का पाउडर। इस तरीके की मिश्री हमने मार्केट से मंगवाई थी और इसको तोड़ करके हमने इसका पाउडर तैयार कर लिया है। थोड़ी बहुत कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। गैस के ऊपर हमने वापस अपनी कढ़ाई रख ली है और जो हमने मिश्री पाउडर तैयार किया था उसको हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर आप 250 से 300 ग्राम तक ले सकते हैं या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप के करीब पानी। अब मीडियम आंच पर हम अपनी चाशनी तैयार करेंगे, हमें यहाँ पर किसी तरह की चाशनी नहीं बनानी है। बस अगर आप चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, हम यहाँ पर मिश्री का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिश्री का जो चाशनी बनेगा वो काफ़ी ज़्यादा चिपचिपा बनेगा। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, चाशनी हमारी लगभग बन चुकी है। यहाँ पर आप छू करके देखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा चिपचिपी हमारी चाशनी बन रही है। अभी तार नहीं बन रहा है लेकिन तार बनने वाला है। इसी स्टेज पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, हमें यहाँ पर किसी तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस गाढ़ी चिपचिपी चाशनी बनानी है। अब हम इसको अपने मिक्सर में मिक्स करेंगे। अब जो हमने मिक्सर तैयार किया था उसको हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 teaspoon इलायची पाउडर, ये डालना ऑप्शनल है लेकिन इसको डालने से टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्सचर हमारा हल्का सा ठंडा हो चुका है, अब हम इससे अपने लड्डू बनाएंगे। ये देखिए मिक्सचर हमारा हल्का सा यहाँ पर ठंडा हो चुका है, अब हमने हाथों पर थोड़ा सा घी लगा लिया है, अब हम इसे लड्डू बनाएंगे। अभी मिक्सचर गर्म है, लड्डू हमारे जल्दी जल्दी बन जाएंगे तो गर्मा गर्म ही बनाने होंगे, इतना गर्म जितना आप सह सकें। ये देखिए एक लड्डू हमारा बन करके तैयार हो चुका है, इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। ये लीजिए सारे यमी और टेस्टी लड्डू हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, साथ ही आपकी हेल्थ का भी ये ख्याल रखिएगी। मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर करिएगा मेरे वीडियोज़ को, मेरे चैनल इंडियन फूडी फूडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की
नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।